और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, समंदर में बढ़ने वाली है भारतीय नौसेना की ताकत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची में नेवी को सौंपेंगे INS विक्रांत। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो देश को आज एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है INS विक्रांत पर। एक साथ तैनात हो सकते हैं 30 फाइटर जेट। और आपको बता दें कि INS विक्रांत को लेकर चीन और पाकिस्तान में खलबली भी देखी जा रही है, क्योंकि भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए जो पड़ोसी देश हैं वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो समंदर में और भी ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोची में नेवी को विमान सौंपेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोची में INS विक्रांत देश को समर्पित करेंगे। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के इतिहास में आज का ये दिन काफी अहम है, क्योंकि भारतीय जल सेना को INS विक्रांत प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। समंदर में शक्तिमान जीतेगा जहान। समंदर में विक्रांत चीन पाक अशांत। समंदर में भारत की स्वदेश शक्ति। पीएम मोदी देश को सौंपेंगे महाबली। समंदर का सीना चीर कर दुश्मनों को ललकारता INS विक्रांत आज भारतीय नौसेना का सदस्य बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी जंगी जहाज INS विक्रांत नौसेना को सौंपेंगे। INS विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। पीएम मोदी कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने INS विक्रांत का जलावतरण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण करेंगे। INS विक्रांत के नेवी में शामिल होने के साथ समंदर में भारत की ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की समुद्री सीमा अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसकी निगरानी के लिए भारत के पास पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, लेकिन समंदर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ये नाकाफी था। ऐसे में INS विक्रांत के आने से कई और समुद्री क्षेत्रों में भी भारत की निगरानी और पहुंच मजबूत हो जाएगी। ये जहाज तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेसल्स। ये मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जांपल है, एक मैसिव डेमोंस्ट्रेटर है, एंड इट्स गॉट ऑल सिस्टम्स आर वेरी वेरी हाई एंड सिस्टम्स। तो हम लोग रूस में बनाया हुआ वो विक्रमादित्य तो कंपेयर करेगा तो इट वुड बी एट मच हायर एडवांस लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़े हुए हैं। वजह है विक्रांत की खूबियां और इसकी ताकत। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर के लिए 2300 कंपार्टमेंट है। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट तक है। ये एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भी INS विक्रांत कई दूसरी खूबियों से लैस है। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी इंतजाम है। इसमें ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन मॉड्यूलर OT का इंतजाम किया गया है। इसमें फिजियोथेरेपी क्लिनिक और ICU की भी सुविधा है। इसमें CT स्कैनर और एक्सरे मशीन का भी इंतजाम है। इसके अलावा दंत चिकित्सा परिसर, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा दी गई है। अपने आप में परिपूर्ण ऐसा एक 16 बेड का अस्पताल है, जिसमें कि 2 ऑपरेशन थिएटर्स है, एक फुल्ली फंक्शनल लेबोरेटरी है, देन फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज़ है, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज़ है, जिसमें कि भारत में पहली बार किसी भी जहाज़ पे इंस्टॉल किया गया CT स्कैन मशीन है। आज तक कहीं भी किसी भी शिप में CT स्कैन मशीन इंस्टॉल नहीं किया गया है, जो कि पहली बार विक्रांत में मौजूद रहेगा। INS विक्रांत जैसे युद्धपोत की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि LAC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशियन रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में उसकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए विक्रांत जैसे योद्धा की सख्त जरूरत थी, जो आज PM मोदी पूरी करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।